CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ठुमरी, जो राग काफी पर आधारित है। ठुमरी भारतीय संगीत की एक शैली है। इसके अनेक अंग और उपअंग हैं। यह उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इसे उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत रखा जाता है। ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होती है, किंतु भक्ति आदि भावों पर आधारित बंदिश भी ठुमरी शैली में गाई जाती है। ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे खमाज, पीलू, भैरवी, काफी, गौड़ सारंग और देस इत्यादि। ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई अर्थात कम मात्रा वाली तालों में गाई जाती है, जिनमें कहरवा, रूपक और अद्धा तीन ताल प्रमुख हैं। इसके अलावा दीपचंदी और जत ताल का भी ठुमरी में काफी प्रचलन है। राग की ही तरह इस विधा में एक ताल से दूसरी ताल में जाने की छूट भी होती है। तो अब प्रस्तुत है ठुमरी, जो राग काफी पर आधारित है। ताल कहरवा है। ताल कहरवा क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल कहरवा, कहरवा ताल में चार मात्राएं होती हैं। विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर। इसके बोल हैं धागे न तीनक धिन। अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए। कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं, इसलिए इसमें चार विभाग, ताली तीन यानी कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सातवीं मात्रा पर और खाली पांचवी मात्रा पर मानते हैं। बोल वही है धागे ना तीनक धिन। अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए। राग काफी पर आधारित ठुमरी सुनने से पहले आइए राग काफी को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग काफी काफी थाट का राग है। इसमें पंचम का प्रयोग अधिकता से होता है। राग काफी में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। राग काफी का वादी स्वर पंचम तथा संवादी स्वर ऋषभ है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। राग काफी का गायन समय मध्य रात्रि है। राग काफी का आरोह इस प्रकार है। सारे गम धनी सारे गम धनी सा। काफी का अवरोह इस प्रकार है। सानी द पा मगर सा, सानी द पा मगर
अब प्रस्तुत है राग काफी की पकड़। सा सा रे रे ग ग म म प सुनते हैं राग काफी पर आधारित ठुमरी। ठुमरी की बंदिश के बोल हैं धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, झूम झूम धूम धूम रहे, धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, झूम झूम धूम धूम रहे, मन सो छवि सो भव सो नैना, मन सो छवि सो भव सो नैना, धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, श्याम कात कमल त्रिग मृग मीन खंजन सो, श्याम कात कमल त्रिग मृग मीन खंजन सो, अरुण रे गजरा रे प्यारे प्यारे, अरुण रे गजरा रे प्यारे प्यारे, ललन पिया शोभा अलबेली, ललन अजब गजब सो, अजब गजब सो, धूम धूम मचाई, 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 धूम धूम मचाई। भारतीय राग
केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा किंतु शैली ठुमरी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए यही बंदिश उसी राग में परंतु किसी और स्वरूप में गाई जाए तो वह ठुमरी नहीं रहेगी, यद्यपि राग अक्षुण्ण रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं राग काफी में बंदिश परिवर्तित रूप में। मचाई धूम धूम मचाई झूम झूम धूम धूम रहे झूम झूम धूम धूम रहे मन सो छवि सो भव सो नैना मन सो छवि सो भव सो नैना धूम धूम मचाई धूम धूम मचाई शाम गात कमल दृग मृग मीन खंजन सो शाम गात कमल दृग मृग मीन खंजन सो अरुण रे कजरा रे प्यारे प्यारे अरुण रे कजरा रे प्यारे प्यारे ललन पिया शोभाल बेली ललन पिया शोभाल बेली अजब गजब सो अजब गजब सो धूम धूम मचाई धूम धूम मचाई धूम धूम मचाई धूम धूम मचाई। जैसा कि आपने सुना कि राग काफी ही रहा किंतु शैली ठुमरी नहीं रही। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है राग काफी पर आधारित धुन पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में।
भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं ठुमरी शैली राग काफी में। बंदिश के बोल हैं धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, झूम झूम धूम धूम रहे, धूम धूम मचाई, धूम धूम मचाई, झूम झूम धूम धूम रहे, धूम धूम। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग काफी पर आधारित ठुमरी। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्मल्य डे और नेहा खंक्रियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक और कुसुम लता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।